नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल, निर्वाचन विभाग ने कसी कमर, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी के बड़े नेताओं का फोकस यूपी पर, उत्तर प्रदेश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी में किया जनसभा को संबोधित। यूपी के एटा में सीएम योगी की जनसभा, समाजवादी पार्टी पर किया तीखा प्रहार, खारे पानी की समस्या का भी किया जिक्र, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील। यूपी में 14 फरवरी से फिर स्कूलों में लौटेगी रौनक, सभी कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई होगी शुरू, कोरोना मामलों में कमी आने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर, करीब 32 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, पुलिस में जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों और उत्तराखंड एवं गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार शनिवार को थम गया। इन क्षेत्रों में प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। इस चरण में तीनों राज्यों की कुल 165 सीटों पर 1519 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं यहां 14 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि यूपी के 9 जिलों में 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यहां प्रमुख चेहरों में चंदौली से गुलाब देवी, नकुड़ से सिंह सैनी, रामपुर से आजम खान और अमरोहा से महबूब अली शामिल है। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना हर मोर्चा मजबूत करने के अभियान में पार्टी के दिग्गजों को लगा रखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान के बाद अब अन्य दौर के मतदान वाले क्षेत्रों पर भाजपा की नजर है। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाराबंकी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राजनाथ सिंह हैदरगढ़ और रायबरेली के उंचाहार में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इन जिलों में चौथे चरण में 23 फरवरी और पांचवें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। नीरज कटिया, श्रीमती राजरानी रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष, और आपके राजनाथ सिंह जिंदाबाद, 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 राजनाथ सिंह जिंदाबाद, 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 जय सियासी। जिनके पास काम नहीं है आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने एटा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष माफियाओं के साथ है, भाजपा सरकार में गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा, बीजेपी सरकार में गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। विकास के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा कि एटा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सड़कें चमकती दिखाई दे रही हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खारे पानी की समस्या का जिक्र भी किया।
यूपी के डिप्टी सीएम और भाजपा के सिराथू प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने कई स्थानों पर जनसभा की। डिप्टी सीएम की जनसभा में सिराथू क्षेत्र के सपा बसपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद डिप्टी सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को जनता से साझा किया। भाजपा के 300 के पार का नारा देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सिराथू मेरी जन्मभूमि है और नेतृत्व ने मुझे सिराथू कर्मभूमि के रूप में दी है, इसका भी धन्यवाद देते हैं। सामने कई बार होते हैं जब पितामह भीष्म के सामने अर्जुन को बाण चलाने के लिए कहा गया, कहा नहीं मैं तो ये मेरे बाबा हैं, मैं तो इनके ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। तो भगवान के ऊपर पे जाएंगे। राजेश यादव जी माल्यार्पण करके स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इसको लेकर एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर के जखोरा और बानपुर पहुंची। जखोरा में जनसभा को संबोधित करके भाजपा प्रत्याशी रामरतन कुशवाहा को माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया। उमा भारती ने जनता से की भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील। आपको बता दें इसके साथ ही उन्होंने महरौनी विधानसभा के बानपुर में जनसभा को संबोधित करके भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी के लिए जनता से वोट मांगे। उमा ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और सपा पर निशाना साधा। राम मंदिर का भव्य निर्माण का जब शिलान्यास हुआ, भारत के लोगों को क्या आदत थी देखने की कि कोई राम का नाम लेने का परहेज करते थे नेता जो हमारे विरोधी नेता होते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, आए हिंदू भाई एक्सीडेंट में दुर्घटना से हिंदू बना हूँ, कोई अपनी पसंद से हिंदू नहीं बना हूँ। तो इस देश ने ऐसा भी प्रधानमंत्री देखा है जो ये बोला कि आए हुए हिंदू भाई एक्सीडेंट। और फिर इस देश ने एक ऐसा भी प्रधानमंत्री देखा जो राम राजा के सामने साक्षात होकर के पड़ा हुआ था, मेरा भाई नरेंद्र मोदी। यूपी के महाराजगंज में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिनों का समय रह गया है। ऐसे में पार्टियों की ओर से उतारे गए प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी के तहत भाजपा प्रत्याशी जयमंगल कनौजिया ने बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें लाकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में प्रत्याशी सरकार ने और पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को फील्ड में उतार दिया और प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करते हुए अपनी सरकार बनाने में जुटे। ऐसे हम पहुंच गए हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के महाराजगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में और यहां के वर्तमान विधायक जय मंगल कनौजी हमारे साथ मौजूद। आपको बता दें भाजपा के काफ़ी कर्मठ सदस्य भी रह चुके हैं और लगातार ये महाराजगंज सदर के विधायक भी रह चुके हैं। तो आइए आज हम चुनावी मुद्दे पर इनसे जानेंगे इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरे हैं और इस बार अपनी सरकार बनाने के लिए इनकी क्या रणनीति है। सर 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि आप वर्तमान विधायक भाजपा के हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे विधानसभा में आए और एक छोटा सा गाँव है हमारा जहाँ ये मैं खड़ा हूँ ये छुटकी पकड़ी के नाम से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ 17वें चुनाव में आया था तो कच्चा था, खड़ंजा था, बहुत खराब रास्ता था और छुटकी पकड़ी के हमारे सम्मानित लोगों ने कहा था कि विधायक जी विधायक होने के बाद इस सड़क को बनवाइए और मैं छुटकी पकड़ी के चारों तरफ पीच बनवा दिया। यही मेरा विकास है कि छोटे छोटे गांव में लेकर के मैं यहां से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ करके और काम कराता हूं। अब विकास कार्य महाराजगंज में आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1989 को जिला हुआ था मगर जिले का स्वरूप ही नहीं था। मैं माननीय अपने देश के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि एनएचआई का सड़क हम सब ने प्रयास किया और आज महाराजगंज मुख्यालय हजरतगंज की तरह लगता है। सर एक सवाल और, चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ सपा,
जीत की दावेदारी कर रहे हैं। कितना लगता है इस बार का चुनाव भाजपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? कोई चुनौती नहीं है, 100 में 80 मेरा, 20 में भी मेरी हिस्सेदारी है, कहीं कोई चुनौती नहीं है, कोई सामने है ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो, एक तरफ बसपा का सपा का मैनिफेस्टो। सपा अपने मैनिफेस्टो में कहा हम 300 यूनिट बिजली देंगे और पुरानी जो पेंशन है उसको हम बहाल करेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार असर करेगा जनता पर? अरे क्या बिजली देंगे, यहाँ के लोगों से तो पूछिए ही, चाहे जिस गांव में आप हैं वो बिजली ही नहीं देते तो फ्री कहाँ देंगे। हम इस गांव में 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, वो झूठे वादे करते हैं और हम करके दिखाते हैं। मेरा मैनिफेस्टो नहीं है, मैं संकल्प पत्र जारी करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जो मैं कहूंगा उसको करके दिखाऊंगा। वो झूठे वादे हैं, बिजली ही नहीं देते थे, बिजली न देने वाले कहाँ बिजली माफ करेंगे भैया। एक और सवाल महाराज, इन लोकसभा क्षेत्र के पांचों विधानसभा क्षेत्र में, चार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं और एक विधानसभा निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी हैं, क्या लगता है 2017 की तरह इस बार भी बरकरार रहेगा? 22 में 5 विधानसभा इस जनपद का लखनऊ में जाएगा, आप देखिएगा। सर महाराजगंज अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पहले के अपेक्षा काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, सरकार की किन किन परियोजनाओं को आपने फरिंदा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र को दिया है? सबसे पहले यहाँ सड़क और बिजली, आपको एक चीज बता दूं, और स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ा काम किया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना महाराजगंज में, CSC PSC लगभग 7-8 CSC PSC मैंने बनवाया है। और आपकी ये बता दूं कि महाराजगंज एक चेहरी ग्राम सभा है जो बहुत बड़ा टोला है, 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, 55 साल तक कांग्रेस ने भी राज किया, 15 साल तक अभी पीछे सपा बसपा ने राज किया, मगर वहाँ के लोग बिजली क्या होता है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री कहने वाले लोग जो बोल रहे हैं वहाँ बिजली तक नहीं दिए थे। और हमारी सरकार आने के बाद लगभग 12,000 पोल हमने लगवाया है और चेहरी आज चकमक शहर की तरह दिखाई दे रहा है। क्या लगता है 2017 को इस बार आप लोग फिर दोहराएंगे या चुनौतियां रहेंगी? 300+ निश्चित रूप से 300+ और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। क्योंकि आप महाराजगंज सदर विधायक, लोकप्रिय विधायक हैं और जनता का किस तरह से समर्थन इस बार आपको मिल रहा है? मैं जनता का सेवक हूं, जनता का सेवा करता हूं, अपार समर्थन मिल रहा है, जहां भी जाता हूं निश्चित रूप से स्वागत होता है, बहुत समर्थन मिल रहा। और पिछला रिकॉर्ड अब तक महाराजगंज सदर विधानसभा का रिकॉर्ड रहा है कि 1,24,000 वोट किसी ने पाया ही नहीं था, उसको भी मैं ही तोड़ूंगा, इसके अलावा कोई नहीं तोड़ पाएगा। जय भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारे साथ सदर विधायक जय मंगल कनौजिया, इनका साहब का नाम 300, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में हम 317 सीटें पार करेंगे, तो देखने वाली बात होगी 3 मार्च को चुनाव में किसकी सरकार बनती है और कौन विधायक सदर से बन पाता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराज। यूपी के बुलंदशहर से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से मलबे में लगभग 32 मजदूर दब गए हैं। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि हादसे की सूचना के बाद SDM और तहसीलदार सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस वक्त राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है और सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 की हालत बेहद नाजुक है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले के DM महेंद्र बहादुर सिंह ने अनोखे ढंग से मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसके लिए DM महेंद्र बहादुर सिंह के साथ CDO अनिल कुमार सिंह और SDM रेणु ने काशीनगर मोहल्ले में घर घर जाकर जनता को वोट डालने के लिए निमंत्रण कार्ड बांटे। आपको बता दें कि इस जिले में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसके लिए जिला प्रशासन ने निमंत्रण कार्ड छपवाए हैं। लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को मतदान होना है। अब की बार 90% के पार, ये हमारा लक्ष्य है। हमें 90% पार मतदान करके अपने कर्तव्यों का पालन करके एक अच्छी सरकार बनाने के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। और लखीमपुर खीरी ठहरा है कि 23 फरवरी को 90% के पार
और अपनी आन शान को बढ़ाएंगे और 90% के पार जाएंगे। सर किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? वाराणसी में दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र जायसवाल ने सहभोज कार्यक्रम में शिरकत की। यह आयोजन रविदास जयंती पर आयोजित किया गया। इसमें जायसवाल ने मंदिर में दर्शन करके बस्ती में आयोजित भोज को प्रसाद के रूप में खुद वितरित किया और कहा कि नर सेवा नारायण सेवा जो कहावत है उसके अनुसार हम मंदिरों में भोग लगाते हैं और इसे सभी मिलकर ग्रहण करते हैं। रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह व्यापी सहभोज कार्यक्रम चल रहा है। रविदास जी के जहाँ मंदिर हैं वहाँ पर हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर पड़िया के क्षेत्र में या बस्तियों में रविदास जी के जहाँ मंदिर वहाँ दर्शन किया गया, पूजा किया गया और दर्शन पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप यहाँ का जो सहभोज खिचड़ी रखा गया था उसमें भाग लिया गया। यूपी में कोरोना मामलों में कमी आने से सभी कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कराने का फैसला लिया गया है। सोमवार से यूपी में सभी स्कूल खोले जाएंगे। अभी पहली से आठवीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इससे पहले 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोल दिए गए थे। बच्चों को स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में क्लास बंद कर दी गई थी और इस दौरान सभी सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही से पढ़ाई करते थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।